पता था माँ कि आप यहाँ आएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे विमान की तीसरी परीक्षा लेकर उसका वीर तिलक करना है, जैसा मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। जोर से गले मत लगाओ, सांस अटक जाएगी। बोलो नहीं सुनो, सांस तो मेरी अटक गई थी जब तू नहीं था। अब जाके सांस पे सांस आइए। अब मेरा सुपर हीरो बेटा जो घर वापस आ गया है। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी। मांजो बार। इतना दुबला हो गया तू, तब से खाना नहीं खाया तूने। भैया आपकी टेंशन में मैंने भी कुछ नहीं खाया, देखो। चिंटी घर चल। बढ़िया बढ़िया, मस्त बढ़ता है हा? सब बच्चे आ गए। चिड़िया का बच्चा सड़क पे नहीं चलता, आसमान में उड़ता है। हा? है? काहे बोलतो है? नहीं नहीं, ये दोनों बातें अलग है। वैसे कानू ने बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता के पास पहुँचा दिया है। अरे वाह वाह गिर पड़े, तुमने कानून और भारत नगर दोनों की नाकें ऊंची कर दी। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। और ये काम मैंने नहीं, कानून का पालन करने वाले देव और विवान ने किया है। इसका क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता हूँ पार्टनर। गुड जॉब। हाँ दादाजी, हमें विवान और देव भैया ने मिलके बचाया, उन्होंने बालवीर की तरह फाइट की। अरे यार सुतली, बोलना है तो वीर बोल देना, क्योंकि वीर पिक्चर में सलमान भाई थे, लेकिन बालवीर बोल के लेवल डाउन मत कर मेरा। कब सुधरेगा ये विवान, खुद बालवीर है और बालवीर को ही नहीं मानता। अरे बेटा वीर हो या बालवीर, जो हमारे बच्चों को वापस ले आया है वो हमारे लिए तो एक हीरो है। धन्यवाद देव बेटा, धन्यवाद। शुक्रिया। अब जब सब बच्चे वापस आ ही गए हैं सही सलामत, तो हमें मंदिर में जोत जला के भगवान का शुक्रिया अदा करना हाँ। चाहिए। गणपति बप्पा। आ जाओ।
हमारे राम लक्ष्मण घर वापस आए हैं, इसलिए भारत नगर की दिवाली आज मनाई जाएगी। क्यों नहीं, हम सब ना दिवाली में नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। हाँ अनुशु को चुके आज कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना हम सभी लोगों ने मिलकर किया है, तो विजेता भी हम सभी हुए ना, है ना? गणपति बप्पा। विवान, बोलने में तो बहुत मुश्किल है पर बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना है चिंटू? थैंक यू विवान। ओ माय गॉड, इसे थैंक यू भी बोलना आता है, सो नाइस ना। तू जानता नहीं है क्या चिंटू, ही दोस्ती और दुश्मनी में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो चलो, अरे हम भी हैं। हाँ जाओ। चल क्या सोच रहे हो बालवीर? माँ, नहीं लेकर आ पाए हम, अब ये कार्य यज्ञ पूरा नहीं होगा, उल्टा इस यज्ञ की आग भैरानी को ही निकलने की। वो देखिए, ये सब इसकी वजह से हुआ है। काल लोक की नई नागरिक काल परी, अरे बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो ऐसे ही होगा ना। गलती तो तुम दोनों की है। विवान जब कैद से भाग गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब तुम तो उसे मार डालना चाहते थे ना? क्यों? मैंने कहा था इन्हें, ये समझते ही नहीं। तुम भैरानी का इतना सा काम भी नहीं कर पाए। भैराजा, ये भैरानी को क्या हो रहा है? लगता है काल लोक का तख्त बहुत जल्द मेरा होगा। बहरानी कैसे उड़ गई आतिशबाजी बनके? कहाँ गए होंगे? अब मेरे काल लोक का क्या होगा? अब मेरे काल लोक के सिंहासन का क्या होगा? मेरा राजा बेटा, मेरा चुनना बेटा, मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत किया करो, अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा, मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी वैसे मत करो। पप्पू पप्पू सांभर भोरे, बाय बाय। अच्छे ने छोकरो, तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, आप मुझे कब से बेटा बोलने लग गई? बस अभी से। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और इसीलिए आज से मैं तुम्हें बेटा बुलाऊंगी। तो बताओ बेटा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जिन्हें मैं माँ बोलता था आज वही मुझे मारना चाहती है।
जिन्होंने मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही मेरी दुश्मन बनकर मेरे रास्ते में खड़ी है। लेकिन बालवीर, बालपरी ने यह भी तो सिखाया था ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस वो हल उदास या हताश रहकर नहीं, मुसीबत का सामना करके होना चाहिए। हाँ, उसका भी हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बालवीर, मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। वादा करता हूं मां, नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे मां से किया वादा पूरा करना है और किसी भी हाल में विवान की परम परीक्षा पूरी करनी है। दीदी दीदी दीदी, आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो तो एक बात बताओ, क्विज साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट क्यों चाहिए तुझे? दीदी मुझे ना एक उड़ने वाला सूट बनवाना है, जैसे सुपर हीरो लोगों के पास होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीदी क्योंकि देखो, मैं आला कोंडा से लड़ चुका हूँ, किडनैपर से खुद को और बाकी बच्चों को छुड़वा चुका हूँ। दीदी तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही सुपर हीरो बनने के लिए है। दीदी अरे ये छोड़ो, मेरे सुपर हीरो के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ ना। बालवीर। दीदी आपको रक्षाबंधन पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए या सिर्फ एक ग्रीटिंग कार्ड? बालवीर बोल के इंसल्ट मत करो मेरा। हाँ, छोटा सल्लू। छोटा सल्लू नाम कैसा रहेगा? मैं ऐसे हवा में ऊपर उड़ूंगा और बुरे लोगों की बैंड बजाऊंगा। ओहो हो, ज्यादा उड़ो नहीं, नीचे उतरो, जमीन पे आओ और मम्मी के काम में हाथ बटाओ। चलो जा, जाके देव और उसकी बहनों को बोल दे कि अगले एक हफ्ते तक उसके घर पे खाना मैं भिजवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप ऐसे ही फ्री में टिफिन बांटना शुरू कर दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे और फिर हमें खुद फ्री में खाना ढूंढना पड़ेगा। ओहो बोलो नहीं, सुनो, देव ने इतनी मदद की है हमारी, अब उसके बदले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसे भी देव को देखकर लगता है वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो मुझसे कह भी रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब खड़ा क्यों है? जा ना, जा बोल के आ, इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ सलमान भाई वाली शेरवानी लेने जाने ही है। और जल्दी आना। हाँ। ये तो 500 का नोट है। शेरवानी के पैसे तो टेलर अंकल के पास पहुंच ही चुके हैं, तो क्यों ना इस 500 रुपए से पलटन को आइसक्रीम खिला दूं। हाँ गोपू तो अपनी शॉप पे ही बैठा होगा, मैं पहले सुतली को साथ ले लेता हूँ, वैसे भी उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। सुतली बेटा, मैंने राम भाऊ के बारे में बताया था ना कि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, वो मिलने वाले हैं, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे लिए नई ड्रेस। उसकी कोई जरूरत नहीं है, दिवाली बेस्ट ड्रेस कॉम्पिटिशन तो कैंसिल हो गया ना, मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। बैठ। सारे बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहनेंगे, अरिमाजाबाद पुराने अच्छी बात नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ना मेरे कंगन भेज दूंगी। और उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपसे 3 दिन दूर रह के मैं ये समझ चुकी हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस भी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहनूंगी। आइगो सच्ची मुच्ची। अरे माँ तो गोड़ बार। अक्रूर,
जाओ और मेरे राज्यभिषेक की तैयारी करो। और हाँ, जितने वफादार तुम तिमनासा के लिए थे उतने ही वफादार रहना, वरना वरना अपने धड़ से जुदा हो जाओगे और काल लोक से अलविदा हो जाओगे। जुबान इतनी भी मत चलाओ कि बाद में अफसोस हो। तिमनासा अमर थी और अमर ही रहेगी मूर्खों, आत्मा के रूप में सर्वकाल देव के पास काल साधना के लिए गई है तिमनासा। बहुत जल्द वापस आएगी। अक्रूर, कल किसने देखा है? मैं आज पे राज करता हूं। इस काल लोक में अब वही होगा जो भयमार चाहेगा, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। मेरे और तख्त के बीच में जो अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये काल लोक भी मेरा और ये तख्त भी मेरा। काल लोक के कभी ना होने वाले भय राजा भयमार, आओ बैठो इस तख्त पे। दिन में सपने देखने से वो पूरे नहीं होते भयमार। मम्मी ने तो शेरवानी के पैसे चुका दिए थे तो मेरे दिए हुए एडवांस मेरे पास वापस आ गए, लेकिन ये पैसे सुतली को कैसे दूं? अगर सीधा जाके दूंगा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और शायद लेने से मना भी कर सकते हैं। बस अब मुझे किसी तरह ये एनवेलप उन तक पहुंचाना होगा। आखिर ये विवान कर क्या रहा है? ब्रो, मेरी वजह से तुम भारत नगर की हीरो बन चुके हो, तो मैं तुम्हें एहसान चुकाने का एक मौका देना चाहता हूँ। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अच्छा बताओ, तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। बोलो। ठीक है, काम क्या है? पद्मिनी आंटी के घर जाकर उन्हें ये लिफाफा देना होगा। क्यों, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? किसी खजाने का नक्शा है? नहीं, हर दिवाली पे फिर पलटन के लोग एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। इस लिफाफे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे पार्टनर, अगर तुम पलटन के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो, खुद ही दे आओ ना। अरे ब्रो, अगर मैं गया तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? और हाँ, एक शर्त और है, लिफाफा देते समय पद्मिनी आंटी या सुतली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देव हो और तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। वो क्यों? अरे भाई, एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करके पास हुए हो क्या तुम? अभी तो बताया मैंने कि सरप्राइज गिफ्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लिफाफा किसके हाथों भिजवाया गया है या किसने भेजा है तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? ओके, करेक्ट। ठीक है, अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जल्दी। बालवीर, तीसरी परीक्षा के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि विवान के चक्कर में उसकी शरारत में मदद करते हुए हम हमारा समय खराब कर रहे हो। इस लिफाफे को खोल के तो देखो,
आखिर इसमें है क्या? खबरदार, इस लिफाफे को खोलने की कोशिश भी मत करना। स्टील की नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी, और अगर कोई भी होशियारी की ना तो टिफिन के सपने ही देखते रह जाओगे, समझे? समझ गया ब्रो। मस्ती परी, मुझे लगता है ये विवान की कोई चाल नहीं। विवान सच में हमें ये करने के लिए कह रहा है। एक बार करके देखते हैं, शायद हमें इसे विवान की तीसरी परीक्षा लेने का कोई आइडिया मिल जाए। हाँ ठीक है, अब जाओ। मम्मी बोलती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। वेल डन विवान। काल परी, जब तक तिमनासा काल साधना में है तब तक विवान का वीर तिलक होने से तुम्हें रोकना होगा। विवान का वीर तिलक? इस शस्त्र के बिना अधूरा है, और इस शस्त्र को हासिल करने के लिए बालवीर को काल लोक में आना होगा। जब बालवीर यहां आएगा तो यहां से सिर्फ उसकी लाश ही निकलेगी। अरे रे, जिस माँ के हाथों से बालवीर का पालन पोषण हुआ उसी माँ के हाथों से बालवीर का अंतिम संस्कार होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।